कॉन्टेक्स्ट ऑफ द थेरी एज अ डिवोटिव मोनार्स्ट होब्स पियर्ड द प्रोसिक्यूशन इफ़ यू स्टेड इन एन इंग्लैंड रन अप बाय द पार्लियामेंटेरियंस होब्स चूँकि बेसिकली उसका ये ख्याल था कि जो असल पावर्स हैं वो मनार्क के पास और मोनार्क के पास जो पावर्स हैं उनके बारे में उनका हिस्सा जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को दिया जा सकता है तो इस दो ग्रुप्स की मौजूदगी के अंदर हॉब्स के लिए ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इम्पॉटेंट हो गया कि किसी तरीके से वो इंग्लैंड के हालात की वजह से वहाँ उसको स्टे नहीं करना चाहिए बल्कि वहाँ से कहीं और किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पर कि अभी हालात ऐसे नहीं हुए जो कि इंग्लैंड में हॉब्स के टाइम पीरियड पे थे तो ही स्टेड इन फ्रांस for 11 years during which he produced much of his important writings so Hobbes most famous work *Leviathan*, was published in 1651 and uh, that was a time when there was a critical development in the European countries and specifically in uh, England because there government के हवाले से जो तनाज़ात थे वो ना सिर्फ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे थे बल्कि मुनार की पावर्स और उसकी डिवीजन या उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या उसमें पार्लियामेंट का क्या किरदार होगा इसके हवाले से तनाज़ जो हैं उनकी शिद्दत की वजह से अनसर्टेनिटी और जो क्लैश था विद इन द सोसाइटी वो अपने पीक पर पहुँचा हुआ था ऑल दो लेविथान वन हिम्यू

और ये किस तरीके से इस वक्त के निज़ाम के बारे में अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन्स को परसू कर रहे हैं सो इन इंग्लैंड हिज वर्क पर बैंड रिपीटली एंड एंटी हॉबिज़म रीच सच अ पीक इन सिक्सटीन सिक्सटी सिक्स डेट हिज़ बुक्स वर बर्नड एट हिज़ा मैटर ऑक्सफोर्ड तो यूरोप ने वो दिन भी देखे जब ऑक्सफोर्ड में हॉब्स की किताबों को बकायदा तौर पर उनकी राइटिंग्स को बकायदा तौर पर जलाया गया क्योंकि उस वक़्त इंग्लैंड का माशरा जिस फेज से गुजर रहा था वहाँ के माशरे के अंदर जो पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही थी वहाँ का सोशल ऑर्डर जो डिस्टर्ब था कि वहाँ डिवीजन ऑफ पावर कैसे होगी वहाँ पर किसके हाथ में होंगे निज़ाम को कौन लेकर चलेगा तो इन हालात में हॉब्स की जो बुक्स थी उनको बाक़ायदा तौर पर जलाया गया तो इन मुश्किल हालात के अंदर वी कैन से जो हॉब्स की जो फ़िलासफ़ी है और ख़ास तौर पर हिज ऑपोजिशन टू इस्टेबलिश्ड चर्च हॉब्स वॉज ऑफ़न लेबल्ड एन एथियस्ट हालांकि जो हॉब्स का जो ख्याल थे वो चर्च के इस हद तक खिलाफ नहीं थे लेकिन उस वक्त के जो जो अनासर थे जो सोशल ऑर्डर के अंदर वो लोग जो इन्फ्लुएंशियल थे उन्होंने बाकायदा तौर पर हॉब्स के बारे में ये कहा कि चूंकि इसका कोई मज़हब नहीं है इसलिए ये चर्च की अहमियत को भी नहीं जानता और जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लैंड है ये उसके भी एंटी है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हॉब्स की जो फ़िलासफ़ी है हॉब्स का जो आ, की जो थेरीज़ हैं वो उस टाइम पीरियड के अंदर जो खलफशार था उस टाइम पीरियड के अंदर जो क्योस था वो उस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट और इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि जिस तरह के हालात एक फ़िलासफ़र को पेश आते हैं उसकी फ़िलासफ़ीज़ में उन हालात का असर उसका इम्पेक्ट जो है वो लाजमी तौर पर आता है लेकिन जब ऐसी राइटिंग्स लिखी जाती हैं किसी भी फ़िलासफ़र की तरफ से तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी उस टाइम पीरियड में जिसमें वो मौजूद होता है वो कम होती हैं और यही थॉमस हॉब्स के साथ भी सूरत हाल जो है वो पेश आई